Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So today is the 28th of August and it is a bank holiday today. So I've come to my friend's place in Reading. Bank holiday basically बैंक हॉलीडे होता है जैसे इंडिया में होता है वैसे यहाँ पे बैंक हॉलीडे और वो जनरली इट कम्स ऑन अ मंडे तो लॉन्ग वीकेंड होता है धूप लॉन्ग वीकेंड होता है सैटरडे संडे एंड मंडे तो फिर सैटरडे को तो छुट्टी नहीं मिली सो आई केम हियर येस्टरडे दैट इज ऑन संडे और कल कुछ भी इतना किया नहीं वी जस्ट चिल्ड और ये सब बट टुडे वी आर गोइंग टू अ प्लेस कॉल्ड हेनली ऑन थेम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वहाँ पर जाके बोटिंग करेंगे लंच करेंगे एंड आई विल टेक यू गाइज विथ मी फोरकास्ट के हिसाब से तो कुछ 16-17 डिग्रीज होने वाला है बट थैंकफुली अगर धूप रही तो आई कैन सर्वाइव इन दिस ड्रेस मैंने और कुछ भी नहीं लाया लाइक जीन्स वगैरह या टॉप तो फिर आई एम जस्ट होपिंग नाइस मैंने हाईलाइटर लगाया मेरा नेचुरल ग्लो नहीं है बाय द वे तो या आई एम जस्ट होपिंग कि इतना कुछ ठंडी ना लगे मुझे यस लेट्स गो ऑल्सो आफ्टर अ लॉट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन एंड प्लानिंग मैंने मेरा हेयर वॉश डे ऐसे प्लान किया था कि आज का और कल का मतलब येस्टरडे दोनों दिन मेरे बाल अच्छे रहे बट मेरी किस्मत घटिया पता नहीं इस बार क्या हुआ बाल अच्छे से धुले ही नहीं यार एंड दे आर लाइक रियली फ्लैट और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं नहीं तो नहीं जब मुझे कहीं जाना नहीं होता है मेरे बाल इतने सुंदर लगते हैं बट किसी की नज़र लग गई है और अगर तुम में से किसी की नज़र लगी होगी तुम्हारा पेट खराब होगा सो वी हैव लेफ्ट नाउ एंड वी आर गोइंग टू डू सम पेट पूजा पहले वो हेनली ऑन थेम्स जाने से पहले बिकॉज देयर इज अ रियली नाइस रेस्टोरेंट हियर कॉल्ड मद्रास फ्लेवर्स मैं इसके पहले जब आई थी रेडिंग तभी भी हम गए थे और बहुत अच्छा डोसा था यार मतलब पूरा इंडिया लेवल का तो वी आर गोइंग देयर अभी क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी है पेट पूजा करके विल गो बोटिंग और वहाँ पे फिर और देखेंगे आजू बाजू क्या है लेट्स गो वी आर हियर नाउ बट वी आर वेटिंग फॉर अ टेबल क्योंकि आई थिंक इट्स ओनम टुडे सो इट्स क्वाइट बिजी और रिजर्वेशन हमारा नहीं है सो बट टेक अ लुक एट द मिठाई कार्ड्स सो मीट माय फ्रेंड्स गाइस दिस इज साहिल दिस इज सोल एंड दे आर गेटिंग मैरिड इन जान बहुत ज्यादा भूख लगी है चलो हम शुरू करते हैं सो वी आर डन विद द लंच एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द बस स्टॉप एंड विल कैच द बस टू हेनली ऑन थेम्स और वहाँ पे जाके हम करेंगे बोटिंग आई जस्ट होप इट्स नथिंग लाइक व्हाट वी डिड इन कार्डिफ If you haven't watched the vlog, go watch it because I thought I'm nearly going to die. So if you haven't watched the vlog, go watch that first. So we have reached Henley on Thames. हेनली ऑन थेम्स ये टाउन का नाम है पूरा बिकॉज जो थेम्स रिवर है तो उसके ऊपर बनाए गए ऊपर आजू बाजू वट एवर ऑल्सो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे टाउन्स हैं जिनका नाम या सिटीज जिनका नाम ऐसे ऑन मतलब सिटी का नाम ऑन एंड फिर रिवर्स नेम जैसे कि न्यू कासल अपॉन टाइन सो टाइन इज द रिवर और न्यू कासल इज द सिटीज नेम So that's how it is. But अभी तक का verdict super cute town. It feels like a hill station छोटा सा एकदम छोटे बहुत cute दुकानें हैं and how pretty. ये सिर्फ अभी नहीं है ये पूरे town में ऐसे ही cute है बहुत ज़्यादा and अभी हम river side आए हैं
So I'll show you guys around. I'm so excited. I was very sleepy, but abhi अच्छा लग रहा है मुझे ये सब देख के. तो हमने लिया है रो करने वाला बोट बिकॉज वो जो मोटर वाला था वो बहुत ही मुझे डर लग रहा था उसको देख के, बहुत ज़्यादा हिलने वालों में था. सो हमने नॉर्मल रोइंग वाला लिया है. इट कॉस्टेड अस 32 pounds 50p फॉर 1 hour. ये इनके जैसा रहने वाला है, समथिंग लाइक दिस. पूरा रोइंग मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं. आई एम द पैसेंजर प्रिंसेस जस्ट सिटिंग हियर डूइंग नथिंग एंड वाचिंग देम सफर. ये पता है ये झाड़ू मार रही है. सोल झाड़ू मार रही है. ये क्या है? तू ये पकड़. अबे नहीं होता. ये बार-बार निकल रहा इधर आगे बीच में कोई नहीं बैठा. हम तब से वहां से सिर्फ यहाँ पहुंचे हैं और सबने रिटायरमेंट ले लिया 2 मिनट में. स्ट्रगलिंग दोनों रोज अलग अलग डायरेक्शन में. अब देखो गाइस कितनी फास्ट चल रही है बोट क्योंकि मैं चला रही हूँ. We are almost back, guys, from where we started. और अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ हमारे पास, और आधा घंटा है तो शायद हम बोट को पार्क करके बस टाइम पास करेंगे. That's the plan. सुखरूप हम आ चुके हैं बाहर पानी के. ऑल्सो वी केम आउट 15 मिनट्स अर्ली क्योंकि नहीं हो रहा था, और तो फिर हम 15 मिनट जल्दी आ गए. नाउ वी जस्ट गोइंग टू वॉक अराउंड एंड सी व्हाट ऑल इज देयर. मे बी वहाँ पे कुछ तो ये बैंड और पार्टी वगैरह चल रही थी, मे बी विल गो देयर एंड आई विल शो यू गाइस. So update guys, we are now back at the bus stop क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. हमने आइसक्रीम खाया और चिप्स खाए जो कि मैं दिखाना भूल गई, बट येस मैंने खाया था वो, और अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. सो वी आर प्लानिंग टू गो बैक टू रेडिंग क्योंकि यहाँ पे हर एक घंटे में एक बस आती है, तो फिर हमको वो मिस नहीं करना है, इसलिए वी आर हियर एंड वी वेटिंग फॉर द बस. तो हम बस जाएंगे, थोड़ा नैप लेंगे एंड देन आई विल गो बैक टू बर्मिंघम 8:20 के ट्रेन से. सो आई विल सी यू इन रेडिंग. हाय गाइस, आई एम बैक होम, नॉट होम, I'm back to my friend's place and now I have to do दुनिया का सबसे बोरिंग काम which is packing. मुझे समझ में नहीं आता एक बात कि एक दिन के ट्रिप के लिए मैं इतना सामान क्यों लेके आती हूँ, जस्ट इन केस बोल के. और जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एज इन जो मैंने लाना चाहिए था वो तो मैंने नहीं लाया. मैंने सिर्फ एक टी शर्ट और जीन्स लाई थी, ठंडी का सोच के नहीं लाया था कुछ, और मुझे लग रहा था कि सनी रहेगा अकॉर्डिंग टू द फोकस, तो मैंने ड्रेसेस ही लाए थे सब. बट UK's weather, I shouldn't have trusted it, the weather app, I shouldn't have trusted the weather app. और मैंने कुछ लाना चाहिए था बट इट्स ओके, आज का दिन तो निकल गया थैंकफुली. बीच बीच में थोड़ा क्लाउडी था तो तभी मुझे थोड़ी ठंडी लगी थी, बाकी तो आई वॉज ओके. और अभी बहुत आलस आ गया है बैक पैक करके. आई हैव टू लीव इन an hour and a half for the station
8:15 का ट्रेन है, वहाँ से भाई घर जाऊँगी। वैसे ये व्लॉग में इतना कुछ हुआ नहीं ना, मैंने कुछ इतना दिखाया, बट ये ऐसे काफ़ी चिल ट्रिप था बिकॉज मैंने बहुत टाइम से मैं कहीं गई नहीं थी एंड आई थॉट कि बस चिल करने, मुझे बस बर्मिंघम के बाहर निकलना था एंड दिस प्लेस वेयर माई फ्रेंड्स लिव, इट्स सच अ क्यूट एंड कोजी अपार्टमेंट। तो सॉरी, बस इनके यहाँ पे आके मुझे कुछ नहीं करना होता है, मुझे बस इनके अपार्टमेंट में चिल करना है बिकॉज इनका लिविंग रूम बहुत क्यूट एंड बहुत कोजी है। मैं दिखाऊंगी अगर जमा तो। इतना कुछ हुआ नहीं ट्रिप में बिकॉज मैंने इतना कुछ किया नहीं, बट आई होप इट वॉज़न्ट टू बैड बिकॉज तुम लोग ही मुझे बोलते हो कि थोड़ा भी कुछ हुआ तो व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, तो दिस इज़ वॉट यू गेट बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ। मैं बहुत सीरियल चिलर हूँ, मैं आई डोंट लाइक प्लानिंग एंड एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ कहीं और जाके बस घूम 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 के चल के चल के। आई वुड रादर जस्ट गो एनी वे एंड चिल दैन रोम अराउंड फॉर आवर्स। लेम गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग। लास्ट नाइट आई केम बैक एट आई थिंक 10:30, देन आई वॉज सो हंग्री, मैंने मैगी बनाया, आई एट, देन आई स्लेप्ट क्योंकि आई वॉज वेरी टायर्ड और मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो मैंने एक डोलो भी खाया बिकॉज थोड़ा टेम्परेचर जैसा लग रहा था एंड आई जस्ट डॉज्ड ऑफ। सो दिस इज इट फॉर दिस वीक्स व्लॉग, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। द टाउन दैट आई वेंट टू हेनली ऑन थेम्स, इट्स अ वेरी क्यूट एंड वेरी पिंटरेस्टी टाउन एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गो बैक अगेन। बहुत क्यूट था यार, बस ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई मैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट और एक ही दिन गए थे और काफ़ी लेट गए थे हम, दैट्स वाई। बट नेक्स्ट टाइम आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विथ मी पूरे टाउन में, बट इफ़ यू आर गोइंग एनी वेयर नियर रेडिंग और समथिंग लाइक दैट, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू ट्राई हेनली ऑन थीम बिकॉज इट्स वेरी वेरी क्यूट। And yes, thank you for watching this video. If you liked it, please like the video and subscribe to my channel if you haven't already. And I will see you very, very soon. Love you, bye.